अब सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे हो रही है आरती की तैयारियाँ। और ये जो मिट्टी है थाली के अंदर, इसके अंदर जौ डाला रहता है। तो आज नवरात्रि के 4थे दिन पे जो जौ है वो थोड़ा सा उग चुका है, देख सकते हो हल्का सा ग्रीन ग्रीन कलर आ चुका है। सो अब मैं यहाँ पे मॉर्निंग की आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मुझे अपने बेटे को रेडी करके उसको भी उसके ट्यूशंस छोड़ने जाना है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ आरती। सो अब मैं जा रही हूँ डुगू को ट्यूशन्स छोड़ने। तो जो उसका जो जहाँ पे उसका ट्यूशन है वो हमारी बिल्डिंग के बाजू की ही बिल्डिंग में है। सो मैं वहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पे कुत्ते के बच्चे हैं जो कि उसको बहुत पसंद है। चल हाँ चल, पहले एक सीढ़ी चढ़ तब डुगू जी। हाँ चल। उसके नीचे बैठा है। चलो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू की खुशियाँ। सो अभी सुबह का 10 बज रहा है और अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके पहले मैंने उठ के नहा धो के पूजा वगैरह सारी फिनिश कर दी है अपनी। आज है नवरात्रि का 4था दिन, 4th डे ऑफ नवरात्रि। और उसके बाद मैंने आरती वगैरह की, सारा अपना जो भी मॉर्निंग का काम होता है पूजा वगैरह सब फिनिश की। उसके बाद अपने बेटे को भी रेडी किया एंड उसको अभी मैं जस्ट ट्यूशंस छोड़कर आ रही हूँ। और बाहर बहुत गर्मी है, अभी 10 बज रहा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। सो अब चलते हैं, अपने वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। और काम अभी तो मुझे मॉर्निंग में कुछ, मतलब कि इस किचन रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है। सिर्फ मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि मैंने खुद भी जमा करके रखा है उस पहाड़ को, तो वो पहाड़ को कम करना है। मैं भी आपको दिखाती हूँ वो कौन सा पहाड़ है। तो मैं सोच रही हूँ पहले वो पहाड़ को मैं कम करूँ, उसके बाद अपना रूटीन स्टार्ट करूँ, पूरा दिन आपके साथ शेयर करूँगी जितना हो सकेगा। और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी आज की वीडियो में, जो कि वो मेरी फेवरेट रेसिपी है, जो है फास्टिंग रेसिपी है साबूदाने की खिचड़ी। सो मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है मेरा जो मैं जिस तरह से साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ वो बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। और उसके लिए आपको 4-5 घंटा उसको भिगो के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं वीडियो में बने रहो, मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पहाड़ है जो मैंने खुद जमा करके रखा है वो कैसा दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है कपड़ों का पहाड़ मेरा। ये सिर्फ 2 दिन के कपड़े हैं, नवरात्रि की वजह से बहुत कपड़े हो जाते हैं, दोनों टाइम नहाना पड़ता है, देन कपड़े साड़ी पहननी पड़ती है तो साड़ी भी वॉश करो, फिर अपना प्लस कुर्ती जो भी हम पहनते वो भी वॉश करना पड़ता है। और ये जो काम होता है ना कपड़ों को फोल्ड करना, उसमें मुझे बहुत घंटा लाता है। इस वजह से सारे कपड़े जमा हो जाते हैं क्योंकि मैं डेली नहीं करती हूँ, मुझे बहुत बहुत बोरिंग काम ये लगता है, बट अब इसको करना तो पड़ेगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं पहाड़ को कम करने।
कार्ड जो था उसको मैंने समेट लिया है, तो कुछ इतने सारे कपड़े थे अभी सारे फोल्ड हो चुके हैं, बट इन लोगों को इनकी जगह पे पहुंचाना अभी बाकी है। सो नवरात्रि की वजह से सब साड़ी ब्लाउज यही सारी चीज़ें बहुत सारी हो रही है। सो इतने तो ये जो दो ठप्पी है ये तो मेरे बेटे की है, महाराज के भी बहुत कपड़े होते हैं। सो सारे कपड़े हो गए इतने, सो सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं मेरे। और अभी मैंने सुबह से सिर्फ पानी पिया है और मुझे अब पीनी है चाय, तो मैं जा रही हूँ अपने लिए कड़क चाय बनाऊंगी। और आज नवरात्रि का जो फोर्थ डे है तो आज का जो कलर था वो है ग्रीन, तो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी वेयर की है, उसका मैं फुल लुक आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये है मेरी साड़ी ग्रीन कलर की, जो कि मैंने उसको ढंग से अभी पहना नहीं है क्योंकि घर में ही रहना रहता है, तो बस पहना इसको ऐसे ही काम चलाऊ पहन लिया है। और अब चलते हैं किचन में बनाते हैं चाय। सो लेट्स चलो किचन में, और जितना शेयर कर पाऊंगी वीडियो को फुल वॉच करते रहे। चलिए चलते हैं किचन में। सो जब तक मेरी चाय हो रही है यहाँ पे मैं साबुदानों जो साबुदाना है उसको भिगो देती हूँ। तो मैं अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ, तो इतनी क्वांटिटी है साबुदाने की, इसको मैंने 2-3 बार पानी से वॉश कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा और पानी रहे, जितना साबुदाना है उतना पानी रख के इसको मैं ढक कर रख दूँगी कम से कम 30 मिनट के लिए, मतलब ये आधे घंटे के लिए, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। आधे घंटे बाद आप देखोगे तो जो साबुदाना था उसने पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। सो बस इतना ही आपको भिगाना है साबुदाने को। और यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी अदरक ली है, ग्रीन चिली, थोड़े से पटेटोज, देन को थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है, और ये जो सींग है वो है, और साबुदाना। तो अब मैं खिचड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, आप जिसमें भी बनाते हो घी में ऑयल में वो चीज़ ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ, ऑयल मेरा गर्म हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें जीरा डालूंगी, और पटेटो ऑप्शनल है खिचड़ी में, अगर आपको डालना है तो ही आप डालो, तो बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो जैसे तेल आपका गर्म हो उसमें जीरा डालो आप, और उसके बाद पटेटो को डालो। मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि पटेटोस को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मुझे और थोड़े मुझे क्रिस्पी चाहिए होते हैं, तो इस वजह से पहले मैं पटेटो ही डाल देती हूँ साबुदाने की खिचड़ी में। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा स्लो भी फ्लेम नहीं रखनी है आपको गैस की, फास्ट भी नहीं, मीडियम में, उससे आपके जो पटेटो है वो क्रिस्पी होंगे। यहाँ पे मैंने कम से कम 12 मिर्च ली होगी, तो आप इसको देख के घबराइए मत, मैं थोड़ा सा तीखा खाती हूँ और ये मिर्च उतनी तीखी नहीं है। सो ये सारी मिर्च और ये इतने से जो अदरक है इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी और उसको खिचड़ी में यूज़ करूंगी साबुदाने की। और आप चाहो तो उसको कट करके भी डाल सकते हो, बट पेस्ट डालने से ज़्यादा अच्छा है। और ये मैंने देख सिर्फ रेड ही मिर्च ली है, क्योंकि जो रेड मिर्च का जब आप पेस्ट बना के खिचड़ी में डालोगे तो बहुत अच्छा कलर आता है उसका। और यहाँ पे मैंने ये पीनट्स लिए हैं, मतलब कि सींग, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके और इसके ऊपर जो भी छिलका था इसका, जो उसकी स्किन थी उसको रिमूव कर लिया है। इसको भी आप चाहो तो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, आप चाहो तो उसको क्रश कर सकते हो, बट मैं इसको सबको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। और यहाँ पे मेरे जो पटेटो है वो आप देख सकते हो थोड़ा सा क्रिस्पी हो गए हैं एंड ऑलमोस्ट पक गए। इस स्टेज पे जब आपको ऐसा लगे कि आपके जो पटेटो है वो पक चुके हैं, इस टाइम पे आपको जो रेड चिली थी उसका और अदरक का पेस्ट आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं उसका पेस्ट डाल लूँगी और 2 सेकेंड उसको पकने दूँगी, सो दैट जो अदरक है, अदरक का जो टेस्ट है वो उसमें पक जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्सी में ही ग्राइंड कर लिया था पीनट्स को, तो बहुत हल्का सा एक ही बार ग्राइंड किया, उससे क्या हुआ ना कि जो भी पीनट्स थी वो बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं हुई है, थोड़ी सी कुछ इस तरह से है, मतलब सारी एक बराबर नहीं है, कुछ खड़ी है कुछ पीसी है, ऐसी हो चुकी है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो उसको ऐसे भी कोई भी भारी चीज़ से कूट सकते हो, बट मैं आपको बहुत जल्दी से ये सारी चीज़ें बनानी होती है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करती, बहुत सिंपल तरीके से बनाती, तो मैं उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है इसमें उपवास का नमक, जिसे हम सेना नमक कहते हैं वो डाला है, और थोड़ी सी शुगर डाली है साबुदाने खिचड़ी में। अगर आप नींबू खाते हो फास्ट में तो आप नींबू भी डाल सकते हो, मैं नहीं खाती हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं है, इस वजह से मैं नहीं डाली। फिर आफ्टर शुगर और
सॉरी आफ्टर चीनी और नमक डालने के बाद अब इसको 2 मिनट हम ऐसे पकने देंगे, 2 मिनट मतलब 1 मिनट जैसा पकने दो ताकि जो शुगर है ना वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद इसमें मैं साबूदाना डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हो पूरा जो साबूदाना है सिर्फ आधे घंटे ही मैंने फूलने में रखा था और वो कितने दानेदार हुए हैं। मैंने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, उसमें रहता है कि आपको रात को ही साबूदाना को फूलने के लिए रखना है या तो 4 घंटे फुलाना पड़ेगा या 5 घंटे, बट मैं इतना घंटा मेरे पास रहता नहीं है कि मैं उसको फूलने के लिए रखूँ, इसलिए मैं बहुत इंस्टेंट बनाती हूँ उसको भी, साबूदाने की खिचड़ी को भी सिर्फ आधा घंटा, समटाइम्स तो मैं उसको सिर्फ 15 मिनट ही भिगा के और उसको बना लेती हूँ, बट उसका जो टेस्ट आता है बहुत ही औसम आता है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना, अगर आप लोग भी 4-5 घंटा साबूदाना को भिगो के फिर खिचड़ी बनाते हो तो आप भी ट्राई ज़रूर करना। सो यहाँ पे सब चीज़ों को मिक्स किया मैंने, फिर 2 मिनट उसको ढक के लो फ्लेम में पकने दिया। उसके बाद जब मैंने इसको खोला तो आप देखोगे साबूदाने का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले वो पूरा वाइट वाइट था, अभी थोड़े से वाइट है और थोड़े से अलग कलर हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया डाल दी है, धनिया डालने के बाद मैं थोड़ा सा और उसको पकने दूँगी और बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। और फास्ट में तो आई थिंक बहुत से लोग यही सारी चीज़ें खाते हैं, हमारे यहाँ पे जो नवरात्रि का जो फास्ट होता है उसमें कोई भी फ्राइड आइटम हम नहीं खाते, हम लोग कोई चीज़ फ्राई नहीं करते, जैसे कि पूड़ी हो गई, पापड़ हो गए, ये सारी 9 दिन हमारे घर में ये सारी चीज़ें नहीं बनती, इस वजह से 9 दिन हम लोग को यही खिचड़ी बनानी पड़ती है, देन आलू फ्राई जो होता है वो खाते हैं। तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आलू फ्राई की भी रेसिपी शेयर करूँगी, 2 टाइप से हम लोग आलू फ्राई करते हैं। सो यहाँ पे मेरे साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो चुकी है, उसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड कर रही हूँ। तो खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पर है मेरे साबूदाने की खिचड़ी और ये है गन्ने का जूस। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।